हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में देखिए हम लोग बात करने वाले हैं कि सर अगर जब हम सी एम एग्जाम्स देते हैं चाहे वो इंटर का हो या फाइनल का हो तो क्या इंस्टीट्यूट हमें ग्रेस मार्क्स अलाउ करता है और अगर इंस्टीट्यूट हमें ग्रेस मार्क्स देता है तो किस तरीके से देता है कौन से वो बेसिस है जिसपे वो ग्रेस मार्क्स देता है तो देखिए इंस्टीट्यूट की जो एग्जामिनेशन कमेटी है उस एग्जामिनेशन कमेटी के सामने ये क्वेश्चन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था और जिसका जवाब देखिए देते हुए बताया गया कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्क्स अलाउ करता है तो यह चीज तो समझ लीजिए कि इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्क्स देता देता है है लेकिन किस तरीके से देता है? इसके लिए कुछ कंडीशन बताई गई थी तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और लाइक करिएगा तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो तो देखिए सर ग्रेस मार्क्स बाय

होते हैं ठीक है जी और पास होने के लिए आपको 150 मार्क्स दोनों जगह लाने होते हैं। ठीक जी, फर्स्ट में कह रहा है एक सौ पचास से ज्यादा नंबर है लेकिन किसी एक पेपर के अंदर सर आपके थर्टी सेवन मार्क्स हैं या थर्टी एट मार्क्स है या थर्टी नाइन मार्क्स है तो यहां पर इंस्टीट्यूट आपको दो नंबर से लेकर नंबर तक का देखिए ग्रेस मार्क्स अलाव कर सकता है जिसकी मदद से आपका यह पेपर भी क्लियर हो जाएगा और एग्रीगेट तो आपका 150 बन ही रहा है बहुत सिंपल सी सिचुएशन थी लेकिन यहाँ पर एक ही पेपर में ऐसा होना चाहिए ठीक है जी चलिए दूसरी सिचुएशन क्या बनती है यहाँ पर दूसरी सिचुएशन में गवर्नमेंट ने कहा कि सर आपका एग्रीगेट फिफ्टी से कम बन रहा है लेकिन बाकी हर पेपर में देखिए आपने चालीस से ज्यादा स्कोर किए हैं तो सर अगर सपोज हमारे 40 पे मार्क्स जो है वो तीन पेपर में आ जाते हैं तो 120 नंबर बन गए तो क्या इंस्टीट्यूट हमें यहाँ पर 30 नंबर का ग्रेस दे देगा नहीं सर इतनी बड़ी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलती है यहां पर आपको मैक्सिमम पांच नंबर तक का है जो है ग्रेस मार्क्स दिया जा सकता है ठीक है जी दो नंबर तीन नंबर का है तो आपको ग्रेस मार्क्स देकर इंस्टीट्यूट जो है एग्रीगेट वन कर देगा ताकि आप देखिए अपना ग्रुप क्लियर कर लें और आगे जो है काम कर सके चाहे वो आप इंटर के अंदर हो या फिर आप आगे फाइनल के अंदर हो तो ये बात यहाँ पर समझने वाली है कि ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं इन दो सिचुएशंस के अंदर ठीक है जी और देखिए ऐसा कहीं इंस्टीट्यूट ने लिखित में नहीं बता दिया है कि दो नंबर की ग्रेस मार्क्स हम देंगे ही देंगे तीन नंबर की ग्रेस मार्क्स हम देंगे ही देंगे या पांच नंबर की ग्रेस मार्क्स हम हर केस में देंगे ये देखिए जो आंसर दिया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसके बेसिस पर मैं आपको बात बता रहा हूं जैसी बात बताई गई थी अब ये दो नंबर की मिलती है तीन नंबर की मिलती है पांच नंबर की मिलती है क्या हर एक बच्चे को मिलती है ये देखिए आपका डिपेंड करेगा कि आप किस सिचुएशन के अंदर आते हैं और आपका सिनारियो क्या बनता है ठीक है जी सबको ग्रेस मार्क्स मिलेगी ये भी चीज देखिए जरूरी नहीं है लेकिन हाँ इन दो सिचुएशन में आते हो तो आपको ग्रेस मार्क्स इंस्टीट्यूट की तरफ से दी जा सकती है ठीक जी तो ये तो थी देखिए आपकी पूरी कहानी कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट आपको ग्रेस मार्क्स अलाउ करता है इसके साथ साथ देखिए आने वाली छे जुलाई को सुबह साढ़े बजे जो बच्चे सीए एजुकेशन एकेडमी की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और क्या है वो अनाउंसमेंट जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है आपको 6 जुलाई को पता चलेगी सुबह साढ़े नौ बजे तो चैनल पर बने रहिए और इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए शेयर करिए थैंक यू सो मच